आप देख रहे हैं जनमत आवाज। आशा हो रही निराश। बुरहानपुर जिले में लगभग 450 आशा है जिनका 3 माह से नहीं मिला वेतन, जिसको लेकर आशा हुई निराश और लामबंद। बुरहानपुर जिले के करीब 450 आशा कर्ता जो कि अपने विभागीय अधिकारियों से निराश हो रही है, जिन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला और अब परिवार चलाने में भी असक्षम हो रही है, जिससे लेकर कलेक्टर पहुंची आशा कार्यकर्ता और हुई लामबंद आशा कार्यकर्ताओं का मानना है कि हमें पिछले 1 साल से समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और ना ही 3 माह से वेतन मिला है। वेतन ना मिलने से परिवार अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वही ऐसे कई कार्य जिसमें ग्रामीण आशाओं को भी 15 दिन शहर में रहना पड़ रहा है, अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसमें ग्रामीण और विभागीय कार्य बाधित हो रहे हैं। पूर्व में भी सीएमएचओ से शिकायत कर चुके हैं किंतु कोई हल नहीं निकला। हम चाहते कि हमें पुनः जैसे डैम यहाँ आ जाए तो हमारे वेतन समय पर निकल सकेंगे। आइए देखते हैं। आशा बहने हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। हम लोग हर महीने कार्य करते हैं, आशा पति सभी कार्य मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन हमें जो मानदेय दिया जाता है वो टाइम पर बिल्कुल मिल नहीं रहा है। 25 तारीख को हमारे वाउचर ले लिए जाते हैं और उसका पेमेंट हर महीने हमको पेमेंट के लिए लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आवाज़ उठानी होती है, इसके बाद ही हमारे अकाउंट में पेमेंट डलता है। इसी समस्या को लेकर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हमारा निराकरण किया जाए। कितने आशा बहने हैं ऐसी? अर्बन की 103 और ग्रामीण की मतलब टोटल मिलाकर 450 कितने महीने का वेतन नहीं मिल पाया अभी? 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल पा रहा है और पिछले 1 साल से तो हमें टाइम पर वेतन मिल ही नहीं रहा है। पेमेंट की समस्या लेके पहुँचे हैं। हमने इसके पहले भी सीएमओ सर से अवगत करवाया था कि हमारी पेमेंट आ नहीं रही है, लेकिन सर भी कोई कुछ काम कर नहीं रहे, उस पर बस बोलते कि आ जाएंगे, इसलिए हमको मजबूर हो गया, कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा। हम लोग चाहते हैं कि हमारी पेमेंट जो 25 तारीख को वाउचर ली जाते 5 तारीख को हो जाए, और जो नया डेम सर आया है वो हमारी पेमेंट नहीं करते। 3 दिन यहाँ बैठते हैं, 3 दिन शाहपुर में बैठते हैं, तो उनसे पूरा काम नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना डेम है वो वापस आ जाए और फिर से हमारा पेमेंट जैसा चलता वैसे ही चले। यदि वेतन नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? हड़ताल करेंगे।